सेवकपुर नामक गांव में कविता नाम की लड़की रहती थी। कविता की माँ एक बीमारी से ग्रस्त होकर इस दुनिया से कविता और कविता के पिता को अकेला छोड़कर चली गई थी। कविता अपने पिता के साथ घर में रहा करती थी और कुछ समय बाद रिश्तेदारों के दबाव की वजह से कविता के पिता ने निशा नाम की औरत से दूसरी शादी करी ताकि निशा कविता का ख्याल रखे और हमेशा उसका साया बनकर घर में रहे। असल में निशा एक चालाक किस्म की औरत होती है जिसे कविता की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती, लेकिन निशा सिर्फ और सिर्फ कविता के पिता का पैसा देखकर दूसरी शादी करके कविता के घर आ जाती है। कविता के पिता की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, लेकिन निशा ज्यादा साफ सुथरी होने की वजह से कविता के पिता को हाथ तक नहीं लगाती और समय आने से पहले ही कविता के पिता की मृत्यु हो जाती है। निशा की अपनी खुद की एक बेटी प्रिया थी। प्रिया दिखने में बदसूरत थी और दूसरी तरफ कविता दिखने में बहुत सुंदर थी। प्रिया हमेशा ही कविता से बदला लेने की भावना रखती थी। निशा और प्रिया दोनों ही सौतेली होने की वजह से कभी भी कविता को प्यार नहीं करते थे और उस पर ढेर सारा अत्याचार करते थे। एक दिन कविता की तबीयत खराब हो जाती है और कविता बेड पर लेट जाती है। ये बात उसकी सौतेली माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आती और तभी वो उसके कमरे में घुसकर कहती है, तुझे क्या लगता है, मुझे कुछ नहीं पता। बेड पर लेट जाने से तबीयत खराब होने का बहाना मत कर। मैं जानती हूँ तू काम से बचने के लिए बहाने बनाती है। तू और तेरी माँ काम चोर थी, तभी तो तेरा बाप मुझे लेकर आया है, वरना वो तुझे अकेले ही पाल लेता। निशा और प्रिया का अत्याचार सहते सहते कविता थक चुकी थी, लेकिन दोनों माँ बेटियाँ मिलकर उसे चैन की दो वक्त की रोटी तक नहीं देती थी। उस दिन कविता बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन उसकी परेशानी और बीमारी ना कोई देख रहा था और ना कोई सुन रहा था, जिस वजह से वो रात तक लेटे लेटे वो अपनी माँ को याद करती है और याद करते करते सो जाती है। एक दिन की बात है जब निशा अपनी बेटी प्रिया को अपने साथ एक पार्टी में ले जा रही होती है, तभी निशा कविता से कहती है, कविता चल उठ यहाँ से और जाकर प्रिया की तैयार होने में मदद करवा दे, आज मैं और प्रिया पार्टी में जा रहे हैं। कविता प्रिया को तैयार कर देती है। प्रिया की सोच बहुत छोटी होती है, तभी प्रिया अपनी माँ से कहती है, माँ अब ये हमारे लिए सौतेली है ना, अब तो इसका ना बाप रहा और ना ही इसकी माँ। ये घर हमारा है और घर में रखी सारी चीज बहुत एक्सपेंसिव है, आप क्यों ना अलमारी में ताला लगा दो और चाबियां साथ लेकर चलो, क्योंकि क्या पता अलमारी से सारे गहने बेच दी ये लड़की और यहाँ से भाग जाए फिर। अरे हाँ, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया कि ये घर तो अब हमारा है। तूने ठीक याद दिलाया बेटी, वरना मैं तो अभी चली जाती और ये सारा घर लौटकर भाग जाती। निशा अपनी बेटी के साथ पार्टी में चली जाती है। दोनों के पार्टी में जाती ही कविता घर में अकेली रह जाती है और घर का सारा काम समेट लेती है और फिर दो रोटी गर्मा गर्म बनाकर खा लेती है। कविता अपनी बिजी जिंदगी में इतने समय बाद पहली बार गरम गरम रोटी खा रही थी। मेरा भी बहुत मन होता है बाहर घूमने फिरने का, पार्टी में जाने का, लेकिन माँ तो मुझे ना पार्टी में ले जाने को पूछती है और ना ही बाहर जाने का। वो तो आज शुक्र है कि दोनों माँ बेटियाँ बाहर है तो मैं आज गर्मा गर्म खाना खा रही हूँ, वरना रोजाना मुझे रूखी सूखी रोटी मिलती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और कविता गेट खोलने जाती है। कविता को डाकिया उसका डाक दे देता है और चला जाता है। कविता झटपट उस डाक को खोलकर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसे एक बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है जो उसने बहुत समय पहले अपने माता पिता के सामने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था, जहाँ उसे ड्राइंग करनी थी। वो ड्राइंग उसकी बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है और लोग उसकी ड्राइंग की डिमांड करते हैं, जिस वजह से उस डाक में इनाम का पता दिया होता है और उसे वहाँ पर पहुँचना होता है। दोनों माँ बेटी बाहर है, क्यों ना मैं अभी जाकर इस पते से अपना इनाम ले आऊँ, इससे उन दोनों को खबर भी नहीं होगी और मेरे पैसे भी मेरे पास सेफ बने रहेंगे। कविता अपना इनाम लेने पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचकर उसे 5,000 रुपए मिलते हैं और कविता सिलाई कढ़ाई में बहुत अच्छी होती है और वो अपने लिए एक पुरानी मशीन खरीद लेती है उन पैसों से।
अब जब मुझे टाइम मिला करेगा तो मैं सिलाई मशीन पर बैठकर कुछ कपड़े सिल लिया करूँगी ताकि मैं 4 पैसे कमा सकूँ। और मेरे पास ये टैलेंट बहुत पहले से है, लेकिन पैसे ना होने की वजह से मैंने आज तक अपने टैलेंट का कभी यूज नहीं किया है। कविता अपने घर पर उस मशीन को लेकर आ जाती है और घर आते ही उसे बहुत ज्यादा शौक होता है, तो वो कुछ पुराने कपड़े लेकर एक सुंदर सा गाउन तैयार करती है। तभी उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन पार्टी से वापस लौटते हैं। घर में पुरानी मशीन देखकर उसकी सौतेली माँ कहती है, ये इतनी पुरानी मशीन तो कहाँ से लेकर आई है? अभी तक तो घर में कहीं पर भी ये मशीन नहीं थी। जल्दी बता, झूठ मत बोलियो, वरना मैं तुझे बहुत मारूंगी। माँ, अभी रास्ते से एक कबाड़ी वाला जा रहा था और वो इसे यहाँ गलती से गिरा गया, तो मैं झटपट मशीन उठाकर अपने घर में रख ली। अच्छा, तो ये इतना सुंदर गाउन तूने बनाया है? माँ, ये मल्टी कलर का गाउन मुझे बहुत पसंद आ रहा है। कविता, ये गाउन मुझे बहुत पसंद आ रहा है, क्या मैं ये गाउन ले लूँ? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम मेरी बहन जैसी हो, तुम रख लो। आज तो तूने ये गाउन बना दिया, लेकिन ध्यान रखियो, अगली बार तू कुछ भी नहीं बनाएगी। और ये मशीन जाकर स्टोर रूम में रख दे, इस मशीन पर काम करती मत दिख जाइयो। और नहीं फालतू काम करियो, घर के काम संभाल ताकि मैं भी खुश रहूं और तू भी, समझी? समय मिलते ही कविता स्टोर रूम में घुसकर चुपचाप एक दो करके गाउन सिला करती और उन्हें जाकर मार्केट में दुकानदारों को बेचती। मार्केट में जितने भी दुकानदार उस गाउन को खरीदते वो बहुत जल्दी बिक जाते हैं। दुकानदार बहुत खुश थे और इसलिए धीरे धीरे वक्त के साथ कविता को बहुत सारे डिमांड मिलने लगती है। धीरे धीरे कविता के पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। एक दिन निशा चुपचाप कविता के कमरे में घुस जाती है और उसके कमरे में जासूसी करती है और बहुत जगह देखने के बाद उसे ढेर सारे पैसे मिलते हैं। निशा को गांव के लोगों ने कविता के काम के बारे में बताया था, जिस वजह से निशा उसके कमरे में पैसे चुराने जाती है और वो सारे पैसे उठाकर अपने पास रख लेती है। इस बात से बेखबर कविता अपने काम में लगन और मेहनत से लगी रहती है, लेकिन अपनी सौतेली माँ और बहन को कुछ नहीं बताती। कविता, जरा इधर आ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तू चुपचाप छुप कर सिलाई करती है ना, मुझे अच्छे से पता है तूने अब तक बहुत सारे पैसे कमा लिए होंगे। चल, वो सारे पैसे लाकर मुझे दे। कविता अपने कमरे में जाती है और पैसे निकालने लगती है कि तभी वो देखती है कि उसके पैसे वहाँ पर नहीं है। और ये सब देखकर कविता को समझ आ जाता है कि ये सारे काम उसकी सौतेली माँ के हैं। और कविता अपना मुंह लटकाकर सौतेली माँ के सामने आती है और कहती है, माँ, कुछ पैसे मैंने इकट्ठे किए थे, लेकिन अब वो वहाँ पर एक भी रुपए नहीं है। अच्छा, तो मतलब तू पैसे नहीं देगी? रुक, मैं तुझे अभी सीधा करती हूँ। निशा बहुत ज्यादा चालाक औरत होती है, वो पहले से ही सारे पैसे हड़प लेती है और फिर भी कविता पर अत्याचार करती है, मारती है, पीटती है। लेकिन कविता के पास पैसे नहीं होते तो वो कहाँ से देती, जिस वजह से कविता अपने कमरे में जाती है और बहुत ज्यादा पिटने की वजह से बहुत रोती है और चिल्लाती है। तभी उसकी स्वर्गवासी माँ उसके सामने आती है। बेटा, इस औरत से मैं तुझे नहीं बचा सकती, लेकिन मैं तुझे एक रास्ता बताती हूँ जिससे तुझे बहुत आराम मिलेगा और तू अपनी जिंदगी में हंसी खुशी रह भी पाएगी। आप मुझे रास्ता बता दो माँ, मैं सच में इस अत्याचार से थक गई हूँ। अब आप जब मेरे पास आ ही गई हो तो क्यों ना आप मेरे पास परमानेंट आ जाओ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। आप मुझे छोड़कर चली गई, फिर पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं क्या करूँगी, इस दुनिया में अकेले रहना बहुत मुश्किल है। माँ, माँ बाप का साया बहुत जरूरी है, ये मुझे आप दोनों के जाने के बाद समझ आया है। चुप हो जाओ मेरी बच्ची, ये लो अलमारी की चाबी। ये अलमारी किसी को भी दिखाई नहीं देती, और इन चाबी से कहना वो तुम्हें अलमारी दिखा देगी। उस अलमारी में जादुई लहंगा रखा है जो मेरी शादी के समय का है, और जादुई लहंगे को उठाना और तुम लेकर भाग जाना। वो लहंगा तुम्हें सब कुछ देगा, तुम जो भी उससे कहोगी वो तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करेगा। बस याद रहे, तुम्हें ये सारा काम रात को चुपचाप करना होगा। अगर तुम्हारी सौतेली माँ को भनक लग गई तो वो तुमसे वो छीन लेगी। कविता स्टोर रूम में चाबी लेकर जाती है और चाबी से उस अलमारी के बारे में पूछती है। तभी उसके सामने अलमारी प्रकट हो जाती है और वो अलमारी के पास जाती है। कविता अलमारी से जादुई लहंगा निकालती है और दबे पांव घर से भाग जाती है। भागते भागते कविता एक जंगल में पहुंचती है और उस जादुई लहंगे को रखकर कहती है,
हे जादू लहंगे, मुझे इस जंगल में एक बहुत अच्छा घर बनाकर दे दो जिसमें जरूरत की सारी चीजें रखी हो और यहाँ मैं सुकून से रह सकूं, इसलिए मैं इस जंगल में आई हूँ। कविता की इतना कहते ही जादुई लहंगे से सुनहरी रोशनी निकलती है और ऊपर जाकर कविता का एक आलीशान घर बन जाता है। इतना सुंदर घर देखकर कविता उसमें जाती है। अरे वाह, ये घर कितना आलीशान है, मुझे मेरी माँ ने कितना अच्छा उपाय बताया, मैं उस जंजाल से छूटकर बच गई। माँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे सुकून से भरा घर दिया और ये जादू लहंगा दिया। अब मैं जादू लहंगा की मदद से अपने हर काम आसानी से कर लूंगी और मैं इस घर में खुशी से रहूंगी। कविता उस घर में जाती है और उस घर में जरूरत की सारी चीजें रखी होती है और बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस, खाने का आइटम और जरूरत की हर चीज पड़ी होती है। कविता अपने जादू लहंगे से कहकर अपनी हर इच्छा को पूरी कर लेती। अब कविता के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। कविता अपनी जिंदगी में हंसी खुशी रहने लगती है। ये सब देखकर उसके स्वर्गवासी माँ और स्वर्गवासी पिता बहुत खुश होते हैं। एक समय की बात है जब हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में सोनम अपनी माँ शकुंतला के साथ रहती थी और सोनम के पिता सब्जियां बेचने का काम करते थे। सोनम की माँ और पिता दोनों अनपढ़ थे, उन्हें हिसाब किताब तक नहीं आता था। सोनम बड़ी हो गई थी और वो अपने पापा के साथ बाजार में सब्जियां बेचने जाती थी और वो पैसों का हिसाब किताब रखती थी। सोनम और उसके पिता के बाजार जाने के बाद सोनम की माँ शकुंतला घर के काम करती थी और उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। शकुंतला अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी और सब्जियां उगाने में उनकी मदद भी करती थी। सोनम के बगीचे में थोड़ी बहुत सब्जियां ही उगा करती थी जिन्हें तोड़कर सोनम अपने पिता के साथ ठेले में रखकर बाजार बेचने के लिए जाया करती थी। इसी से उनके घर का खर्चा चलता था। आओ आओ भाई साहब, आलू ले लो, 10 रुपए किलो आलू। आओ बहन, पहाड़ी आलू है, खाने में एकदम स्वादिष्ट है। अरे वाह, आलू तो आपके बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, पर 10 रुपए ज्यादा नहीं है, 8 रुपए लगाओ तो ले लूंगी। नहीं नहीं मैडम, आलू तो 10 रुपए किलो ही है, आप बाजार में कहीं भी पता कर लीजिए, इसे कम रेट में आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमारी दुकान पर हम सबसे कम दामों पर सब्जियां बेचते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, 2.5 किलो दे दो, अगर अच्छा लगे तो और ले जाऊंगी। सोनम उस औरत के लिए 2.5 किलो आलू तोल देती है और उसे दे देती है और वो औरत सोनम को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। हमेशा की तरह शाम को सोनम अपने पिता के साथ बाजार में सब्जियां बेचकर घर लौटी और घर जाकर पैसों का हिसाब अपने पिता को बताकर खाना पीना खाकर सो गई। सोनम गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती थी। सोनम इतनी समझदार थी कि वो अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने घर को भी संभाल रही थी। सब्जियां बेचकर जितने भी पैसे वो कमाते थे उनसे घर में राशन भरवाते थे और उन्हीं पैसों में से अपने स्कूल का खर्चा भी निकालती थी। उसके साथ साथ बचे हुए पैसे सोनम अपनी माँ के पास जमा कर देती थी जो शकुंतला अपनी बेटी की शादी के लिए इकट्ठा कर रही थी। ऐसी ही एक दिन सोनम स्कूल जाती है और सोनम की माँ घर में बैठकर हाथों से स्वेटर की बुनाई कर रही होती है। तभी अचानक से शकुंतला को दिल का दौरा पड़ जाता है और उसकी मौके पर मृत्यु हो जाती है। मौके पर सोनम के पिता वहाँ होते हैं पर वो कुछ नहीं कर पाते हैं। मृत्यु हो जाने के बाद सोनम के पिता सोनम को स्कूल से घर ले आते हैं। घर आकर जब सोनम ये सब देखती है तो वो बहुत जोर जोर से रोती है। माँ उठो ना माँ, आपको ये क्या हो गया है माँ, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो, माँ माँ उठो ना। सोनम अपनी माँ के लिए बहुत ज्यादा रोती है और सोनम के पिता किसी तरह सोनम को संभालते हैं और वो उसकी माँ का अंतिम संस्कार कर देते हैं। काफी समय तक सोनम अकेली अकेली रहने लगती है, वो अपने पिता से बात भी नहीं करती है। ये सब सोनम के पिता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तब सोनम की दादी वहाँ पर कुछ समय के लिए रहने आती है। सोनम की दादी को सोनम बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, वो हमेशा से ही अपने लिए एक पोता चाहती थी परंतु ऐसा हो नहीं सका, इसलिए वो अपने बेटे का विवाह एक दूसरी लड़की से करवाना चाहती थी। अरे बेटा, आज मैं तुझे कुछ समझाती हूँ,
देख सोनम बिटिया अब बड़ी हो रही है और उसे एक माँ की जरूरत है। माँ आप ये कैसी बातें कर रही हो, जरा कुछ सोच समझ कर बोला करो। सोनम बड़ी हो गई है, वो सब समझती है। मैं और मेरी बेटी एक दूसरे का सहारा देकर अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। बेटा तो समझ क्यों नहीं रहा है, सोनम को एक माँ की जरूरत है जिससे वो अपनी सारी बातें कर सके। वो अपनी सारी बातें तुझे नहीं बता सकती है, इसलिए मेरी मान तो तू दूसरी शादी कर ले। आने वाले कुछ सालों में सोनम का विवाह हो जाएगा और फिर तू अकेला रह जाएगा। मैं तो बुढ़िया हो गई हूँ, पता नहीं कब रहूँ कब ना रहूँ। फिर तुझे भी तो कोई सहारा चाहिए ना, अभी तेरी उम्र ही क्या हुई है। सोनम की दादी अपने बेटे को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेती है और सोनम के पिता सोच में पड़ जाता है और आखिर में वो अपनी माँ की बात मानकर एक औरत से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। उस औरत का नाम संगीता होता है। संगीता भी एक विधवा औरत थी और जिसकी सोनम के बराबर एक बेटी थी। सोनम की दादी उन दोनों की शादी करवा देती है और अब संगीता अपनी बेटी को लेकर सोनम के घर आ जाती है और सोनम की दादी बस पकड़कर वापस अपने गांव चली जाती है। संगीता अपनी बेटी चुलबुल से बहुत प्यार करती थी, परंतु वो सोनम से प्यार करने का भी दिखावा करती थी ताकि सोनम के पिता को कभी उस पर शक ना हो। अरे सोनम बिटिया यहाँ तो आओ, चुलबुल यहाँ आओ, देखो मैं तुम दोनों बहनों के लिए फ्रॉक लेकर आई हूँ। दोनों बहनें भाग भाग कर अपनी माँ के पास पहुँच जाती हैं। तभी सोनम को वहाँ पर एक लाल फ्रॉक दिखाई देती है। सोनम को वो फ्रॉक बहुत अच्छी लगती है और वो उसे अपने हाथों में ले लेती है। अरे वाह माँ, फ्रॉक तो बहुत ही खूबसूरत है, आप बहुत अच्छी हैं जो आप मेरे लिए इतनी सुंदर फ्रॉक लेकर आई हैं। अरे सोनम ये तुम क्या कह रही हो, ये लाल वाली फ्रॉक तो मेरी है। माँ तुम्हारे लिए नीली फ्रॉक लेकर आई है, ये लाल वाली फ्रॉक तो मेरी है। संगीता भी सोनम से वो लाल फ्रॉक छीन लेती है। फ्रॉक का छीनना सोनम को अच्छा नहीं लगता है, पर वो ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं देती है और वो नीली वाली फ्रॉक बेमन से अपने पास रख लेती है। सोनम का मन उदास हो जाता है, पर वो अपनी बहन और माँ को उदास नहीं करना चाहती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और अब सोनम और चुलबुल दोनों बड़ी हो जाती है। दोनों की उम्र शादी की हो जाती है। सोनम और चुलबुल की एक दोस्त थी जिसका नाम शिखा था। शिखा की शादी तय हो गई थी और आने वाले दो दिनों में उसकी शादी थी। दोनों बहनें अपनी दोस्त शिखा की शादी के लिए तैयार होती है और अपनी माँ के साथ शिखा की शादी में पहुँच जाती है। शादी में पहुँचने के बाद चुलबुल अपने दोस्त का लहंगा देखती है। वो गुलाबी लहंगा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था और शिखा भी उसमें बहुत खूबसूरत लग रही थी। अरे वाह शिखा, तुम तो आज बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो और तुम्हारा लहंगा ये तो बहुत अच्छा है। हाँ हाँ सोनम लहंगा तो अच्छा होगा ही ना, ये सरोजनी का लहंगा है, पूरे 2 लाख रुपए का है। क्या कहा, 2 लाख रुपए का, ये तो बहुत ही महंगा है, ऐसा लहंगा तो हम अपने पूरे जीवन में नहीं खरीद सकते हैं। बधाई हो शिखा, तुम्हें शादी की बहुत बहुत बधाई। हाँ हाँ थैंक यू, जाओ जाकर खाना खा लो, यहाँ पर पूरे 56 प्रकार के भोजन है, सब खाना खा कर जाना। अपने दोस्त को बधाई देने के बाद चुलबुल और सोनम खाना खाने के लिए एक टेबल पर बैठ जाती हैं। तभी सोनम चुलबुल से कहती है, चुलबुल तुमने देखा शिखा का लहंगा कितना खूबसूरत था, मैं भी अपनी शादी पर ऐसा ही लहंगा खरीदूंगी। ये क्या कह रही हो सोनम, तुम्हें कुछ पता भी है वो लहंगा कितना महंगा है? तुम तो अपनी मरी हुई माँ की कोई पुरानी साड़ी का लहंगा बनवा लेना, मैं तो माँ से कहकर सरोजनी से इससे भी सुंदर लहंगा लेकर आऊंगी अपनी शादी पर। दोनों बहनों को बातें करता हुआ संगीता सुन रही थी। तभी संगीता चुलबुल के पास आकर कहती है, परेशान मत हो मेरी बेटी, मैं तुझे इससे भी अच्छा लहंगा खरीद कर दूंगी। माँ मुझे भी ऐसा ही लहंगा चाहिए, आप मुझे भी दिलवाएंगे ना मेरी शादी पर ऐसा लहंगा? पहले तुझे कोई पसंद तो कर ले, तुझसे शादी करेगा कौन, और वैसे भी तेरी माँ कोई कुबेर का खजाना छोड़कर नहीं गई है यहाँ पर जो मैं तेरे लिए इतना महंगा लहंगा खरीद पाऊँ। आज तक जो भी मैंने बचाया है वो अपनी बेटी के लिए बचाया है। सोनम को अपनी सौतेली माँ की ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती है और उसका मुँह उदास हो जाता है। सोनम अपनी माँ और बहन से दूर चली जाती है और पार्टी में खाना खाने लगती है। वहीं पार्टी में आया हुआ एक परिवार सोनम को देखता है
और सोनम उन्हें एक ही नज़र में पसंद आ जाती है। अरे ये लड़की तो देखो कितनी सुंदर लग रही है, अगर ये हमारे घर की बहू बन जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए, पर इसके माता पिता कौन हैं? पूरी पार्टी में पता करने के बाद उस औरत को सोनम की माँ के बारे में पता चल जाता है और वो सोनम का रिश्ता लेकर उसकी माँ के पास जाती है। नमस्कार बहन जी। जी नमस्ते नमस्ते। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। वो जो लड़की वहाँ पर खड़ी है वो आपकी ही बेटी है ना? कौन, जो वो वहाँ पर खड़ी है? हाँ हाँ मेरी ही बेटी है, और ये जो मेरे साथ है ये भी मेरी ही बेटी है। बताओ क्या हुआ? वो दरअसल बात ये है कि मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। मैं आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगना चाहती हूँ। अगर आपको बुरा ना लगे तो हम इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सब तो ठीक है, परंतु उससे पहले मुझे अपनी बेटी चुलबुल की शादी करनी है। चुलबुल की बात सुनकर उस औरत के मन में और लालच बढ़ जाता है। उस औरत के दो बेटे थे और वो अपने दोनों बेटे की एक ही साथ शादी करना चाहती थी। जब उसे पता चलता है कि सोनम और चुलबुल दोनों बहनें हैं, तो वो संगीता से दोनों बहनों की शादी के लिए बात पक्की कर लेती है। उसके बाद संगीता अपने बचाए हुए पैसों को निकाल लेती है और अपनी बेटी चुलबुल के साथ जाकर बाजार में शॉपिंग कर लेती है। वो अपनी बेटी को बाजार से सबसे अच्छा लहंगा दिलवा देती है। चुलबुल अपने लिए सुंदर ब्राइडल लहंगा लेकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो घर लाकर सोनम को अपना लहंगा दिखाते हुए उसे चढ़ाने लगती है। माँ देखो मेरा ये सरोजनी का लहंगा कितना सुंदर है ना, मैं इसे शादी पर पहनूंगी तो सब लोग मुझे ही देखते रह जाएंगे। सोनम तुम भी अपनी माँ का रखा हुआ लहंगा निकाल कर ले आओ ना, मैं भी तो देखूँ जरा वो लहंगा कैसा है। सोनम अपनी माँ के रखे हुए कपड़ों में से अपनी माँ की शादी का लहंगा निकाल कर ले आती है, जिसे चूहे ने जगह जगह से काट रखा था। लहंगा पूरा खराब हो गया था। अरे कोई बात नहीं, जरा जरा सा छेद ही तो हो गया है, मैं इसे रफू करवा दूंगी। वैसे भी शादी का लहंगा एक ही दिन पहनना होता है, अब इतने पैसे नहीं कि मैं तुम दोनों को अलग अलग लहंगे दिलवाऊं। संगीता सोनम के लहंगे पर रफू करवा देती है और वो अपनी बेटी के लिए अच्छे अच्छे गहने और कपड़े खरीद लेती है, पर सोनम के लिए कुछ भी नहीं खरीदती है। ये बात सोनम को अच्छी नहीं लगती है, पर वो किसी से इस बात पर बहस नहीं करती है। वो चुपचाप सब कुछ सहती रहती है। अगले ही दिन शादी का मुहूर्त था और अचानक से एक लापरवाही से घर में आग लग जाती है और जिसमें चुलबुल का लहंगा जल जाता है। ये सब देखकर चुलबुल बहुत ज्यादा रोने लगती है। माँ देखो ना मेरा कितना महंगा ब्राइडल लहंगा था, वो जल गया है। संगीता जानती थी कि वो लापरवाही संगीता से ही हुई है, जिस वजह से घर का बहुत सारा सामान जल गया था, परंतु सोनम का लहंगा वो बिल्कुल ठीक था। सोनम उस लहंगे को किसी तरह से कपड़े से झाड़ झाड़ कर साफ कर लेती है। सोनम लहंगे को साफ करती है, तभी उसमें से एक जोरदार रोशनी निकलती है और उस रोशनी के बाद वो लहंगा एक बहुत ही खूबसूरत लहंगे में बदल जाता है। वो लहंगा बिल्कुल वैसा ही लहंगा था जैसा सोनम की दोस्त शिखा ने अपनी शादी पर पहना था। ये देखकर सोनम को बहुत ज्यादा हैरानी होती है और उसे कुछ समझ नहीं आता है। तभी सोनम की माँ की तस्वीर से एक आवाज आती है। सोनम बेटी मैं सब कुछ देख रही हूँ कि तेरे साथ कितना बुरा व्यवहार हो रहा है। तेरी सौतेली माँ ने तो तुझे शादी की तैयारी भी नहीं करवाई है, पर कोई बात नहीं, ये लहंगा एक जादुई लहंगा है और इस लहंगे से तू अपनी शादी के लिए कोई भी चीज मांग सकती है। पर माँ देखो ना मेरी बहन चुलबुल का लहंगा तो आग में बुरी तरह से जल गया है, मैं ये लहंगा नहीं पहन सकती हूँ, ये लहंगा चुलबुल पहनेगी, हम दोनों बहनों की शादी है। अगर चुलबुल को अच्छा लहंगा नहीं मिला तो उसे बहुत बुरा लगेगा, मैं तो कोई सी भी पुरानी साड़ी पहन लूंगी। चुलबुल सोनम की ये सारी बात बाहर दरवाजे पर खड़ी होकर सुन रही थी। अपनी बहन को अपने प्रति इतना प्रेम देखकर चुलबुल की आंखों में आंसू आ जाती हैं और वो सोनम को गले लगा लेती है। सोनम तुम बहुत अच्छी हो, मैंने बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव किया है, पर तुम्हारे मन में तो मेरे लिए जरा सी भी बुराई नहीं है। तुम मुझे अपना ये लहंगा देने को भी तैयार हो, जबकि मैंने तो तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया है। चुलबुल मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन माना है और तुम्हारा ध्यान भी रखा है,
मैंने हमेशा परीक्षा में तुम्हारी मदद करी है और तुम्हारे चक्कर में माँ से कई बार डांट भी खाई है। मैं तुम्हें सगी बहन से बढ़कर मानती हूँ। अब दोनों बहनों का आपस में बहुत ज्यादा प्रेम बढ़ जाता है। सोनम अपना लहंगा चुलबुल को दे देती है। चुलबुल वो लहंगा नहीं पहनती है और वो अपनी माँ की एक मामूली साड़ी पहन लेती है। ये क्या चुलबुल, सोनम ने तो तुम्हें अपना लहंगा दिया था, फिर तुमने वो क्यों नहीं पहना? माँ, वो लहंगा दीदी का है, उनकी माँ की निशानी है, मैं उस लहंगे को नहीं पहन सकती हूँ, उस लहंगे पर केवल दीदी का ही अधिकार है। अपनी बहन चुलबुल को पुरानी साड़ी पहनते हुए देखकर सोनम को अच्छा नहीं लगता और वो अपने जादुई लहंगे से कहकर हूबहू दिखने वाला एक और सुंदर सा लहंगा मांग लेती है। वो जादुई लहंगा अपनी शक्तियों से एक और हूबहू दिखने वाला लहंगा प्रकट कर देता है और दोनों बहनें अपनी शादी पर वही लहंगा पहन लेती है और दोनों की शादी अच्छे से हो जाती है। अब संगीता भी सोनम के लिए अपने मन में कोई भी गलत भावना को पैदा नहीं करती है और अपनी दोनों बेटी को बराबर प्यार करती है। इस तरह अब संगीता अपने दोनों बेटियों के हाथ पीले कर देती है और खुशी खुशी दोनों को ससुराल भेज देती है। बहुत समय पहले की बात है, चमनपुर गांव में सभी गांव वाले हंसी खुशी रह रहे थे। दिवाली का टाइम था, सभी लोग दिवाली की शॉपिंग, घर की साफ सफाई, नई नई चीजें खरीदना इत्यादि क्रियाकलाप कर रहे थे। उसी गांव में पूजा अपनी माँ मीरा के साथ रहती थी। पूजा के पिताजी शिवराम शहर में एक फैक्ट्री में सिलाई का काम किया करते थे। पूजा के पिताजी की आय बहुत कम होने के कारण मीरा को घर चलाने में बहुत दिक्कतें आती थी। मीरा एक शहर की लड़की थी, उसने बचपन में ही मेकअप करना सीख लिया था। शादी के बाद घर के हालात देखकर मीरा घर में ही एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। गांव में एक भी ब्यूटी पार्लर ना होने के कारण धीरे धीरे मीरा का ब्यूटी पार्लर चलने लगता है। पूजा पूरा दिन स्कूल में पढ़ती और शाम को घर आने पर मीरा के आसपास ही खेलती। पूजा मीरा के मेकअप के सामानों से खेला करती थी। मीरा कस्टमर का अच्छा अच्छा मेकअप करती और साथ ही साथ उसे पूजा को भी संभालना पड़ता था। पूजा खेल खेल में मीरा के मेकअप के सामान को इधर उधर खो देती थी। पूजा बेटा, तुमने मेरा ब्रश देखा क्या? नहीं माँ, मैंने आपका ब्रश नहीं देखा, यहीं कहीं होगा, ढूंढने पर मिल जाएगा। मैं इसलिए तुमसे अपने मेकअप के सामान से दूर रहने के लिए कहती हूँ, अब पता नहीं कहाँ खो गया मेकअप ब्रश। मीरा को बहुत अच्छा मेकअप आता था। मीरा के सभी कस्टमर उसके मेकअप की तारीफ किया करते थे। वाह, कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं, तुम्हारे हाथों में तो जादू है जादू। ये सुनकर मीरा और पूजा दोनों खुश हो जाते हैं। ऐसे ही सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। एक दिन स्कूल में पूजा के कुछ दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं। मैं तो बड़ी होकर हीरोइन बनूंगी और मैं बड़ी होकर आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। पूजा, तुम क्या बनोगी बड़ी होकर, तुमने नहीं बताया। मैं बड़ी होकर एक मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी। ये सुनकर पूजा के दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं। हंस क्यों रहे हो, क्या हीरोइने मेकअप नहीं कराती? क्या तुम दोनों कभी मेकअप नहीं कराओगी? मेकअप आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं और मैं बड़ी होकर अपनी माँ की तरह एक मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। पूजा क्लास के समय भी हमेशा मेकअप के बारे में सोचती रहती। पूजा को भी मेकअप करना बहुत पसंद था। पूजा का ध्यान पढ़ाई से हट चुका था। बच्चों, कल पेरेंट्स मीटिंग है, सभी लोग अपने पेरेंट्स को लेकर आएंगे। पूजा ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वाओ, कल पेरेंट्स मीटिंग है, कल मैं घर के कपड़े पहन कर आऊंगी और बहुत सारा मेकअप भी करके आऊंगी। पूजा घर जाकर ये बात अपनी माँ को बताती है। माँ, कल स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, कल आप तैयार होकर मेरे साथ मेरे विद्यालय चलना। अगले सुबह पूजा देखती है कि उसकी माँ किचन में खाना बना रही होती है। पूजा मौके का फायदा उठाकर माँ के मेकअप किट से अपना मेकअप करने लगती है। पूजा नेल पॉलिश, काजल, फेस पाउडर आदि लगाकर अच्छे से तैयार हो जाती है। तभी वहाँ मीरा आ जाती है। ये क्या कर रही हो तुम पूजा, ये कोई तुम्हारे मेकअप करने की उम्र है? मेकअप बच्चों की चीज नहीं होती, समझ गई? जाओ अभी मुंह धोकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हारे टीचर से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी।
पूजा उदास मन से मुंह धो लेती है और वे दोनों विद्यालय के लिए निकल जाते हैं। पूजा की स्कूल की टीचर मीरा को उसकी रिपोर्ट कार्ड दिखाती है। देख लीजिए, आपकी बेटी का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। ये दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। क्लास में ये सभी बच्चों से हमेशा मेकअप की बातें करती रहती है। अगर ऐसे ही रहा तो आपकी बेटी आने वाले एग्जाम में फेल भी हो सकती है। आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए तो शायद सब ठीक हो जाए। जी टीचर जी, वो हमारा घर पर एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर है ना, इसलिए ये देख देख कर बिगड़ रही है। परंतु मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि ये पढ़ाई में पहले की तरह अव्वल रहे। और फिर थोड़ी देर बाद मीरा और पूजा घर आ जाते हैं। पूजा की माँ मीरा पूजा से कुछ नहीं बोलती। दो दिन हो जाते हैं, मीरा पूजा से बात नहीं करती। क्या हुआ माँ, आप मुझसे कुछ बोलती क्यों नहीं? मेरा आपसे बोले बिना मन नहीं लगता, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से मैं पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूंगी और आपके मेकअप के सामान को जरा भी हाथ नहीं लगाऊंगी। ये सब सुनकर मीरा खुश हो जाती है और पहले की तरह पूजा से बातचीत करने लगती है। मीरा के पार्लर में एक मिस रूबी नाम की खड़ूस कस्टमर आती है, जिसे देखकर पूजा वहाँ से गायब हो जाती। ये क्या, तुमने मेरी आईब्रो ठीक से क्यों नहीं बनाई? ये देखो ये कट कैसे लग गया, और ये इतने चीप प्रोडक्ट क्यों यूज करती हो तुम? और इस पार्लर में इस लड़की का क्या काम? आगे से ये लड़के नहीं दिखाई देनी चाहिए, समझे तुम? मीरा रूबी के इस व्यवहार को चुपचाप सुन लेती थी, क्योंकि रूबी मीरा की परमानेंट कस्टमर और उनसे अच्छे पैसे भी कमा लेती थी। एक बार की बात है, मीरा मार्केट से पार्लर का बहुत ही एक्सपेंसिव मेकअप किट लेकर आई थी और वो पार्लर में रखकर बाहर चली गई। मौके का फायदा उठाकर पूजा अपने दोस्तों के साथ पार्लर में आ जाती है और मम्मी की चीजों से खेलने लगती है। तभी उसकी एक फ्रेंड का ध्यान मम्मी की मेकअप किट पर जाता है। दोस्तों, वो मेकअप का सामान, इसमें तो सब कुछ है। पूजा, तुम्हें मेकअप वाली बनना है ना, तो तुम इस सामान से हमारा मेकअप कर दो। नहीं नहीं, मम्मी बहुत डांटेगी। अरे मम्मी को नहीं पता चलेगा, तुम शुरू तो करो। फिर क्या था, पूजा उस मेकअप के सामान से दोस्तों का मेकअप करना शुरू कर देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मम्मी किया करती थी। वाओ, तुमने तो हमारा बहुत अच्छा मेकअप कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। ऐसे ही सारे दोस्त मिलकर पूजा का मेकअप कर देते हैं और खेल खेल में सारा मेकअप खत्म हो जाता है। थोड़ी देर बाद मम्मी वहाँ आ जाती है और देखती है कि मेकअप का सारा सामान खत्म हो चुका है और पूरा पार्लर बिखरा पड़ा है। मम्मी पूजा के चेहरे पर मेकअप देखकर सब समझ जाती है और कुछ नहीं बोलती। सॉरी मम्मी, वो खेल खेल में मेकअप का सारा सामान खत्म हो गया। सॉरी मम्मी, आगे से नहीं होगा। परंतु मीरा पूजा से बात करना बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद मिस रूबी वहाँ आ जाती है। मिस रूबी को देखकर पूजा उनके पीछे छिप जाती है। मीरा ने जब मिस रूबी को मेकअप के सामान के बारे में बताया तो मिस रूबी भड़क गई। क्या कहा, सारा सामान खत्म हो गया? क्या पार्लर चलाती हो तुम? ये तुम्हारा ब्यूटी पार्लर है या कोई सब्जी का ठेला? मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, मुझे एक अर्जेंट पार्टी में जाना था, अब मैं क्या मुंह लेकर वहाँ जाऊंगी? मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी, आज से मैं तुम्हारे पार्लर में कभी नहीं आऊंगी और मैं तुम्हें एक भी रुपए नहीं दूंगी। ऐसे ही मिस रूबी उन्हें बहुत कुछ सुनाती है। मीरा चुपचाप सर झुकाकर सब सुनती रहती है और मिस रूबी के जाने के बाद वो पूजा से बात नहीं करती। ऐसे ही दो दिन हो जाते हैं, मीरा पूजा से बात नहीं करती, वे सिर्फ रोती रही। मम्मी प्लीज मुझसे बात करो ना, आज के बाद मैं आपके मेकअप के सामान को जरा भी हाथ नहीं लगाऊंगी। प्रॉमिस, मुझे सबक मिल चुका है कि किसी के सामान को उनकी परमिशन के बगैर नहीं छूना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, ये मैंने देख ली। मम्मी प्लीज ना मुझे माफ कर दीजिए। ये सब सुनकर मीरा का दिल पसीज जाता है और वो पूजा को माफ कर देती है।